ये व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ रोज गेमर्स। ओके, तो आज हम लोग दोबारा से एक और बार खेलने जा रहे हैं एक और नया गेम, और जिस गेम का नाम है कि हार्ड टाइम। भाई हार्ड टाइम गेम का ही नाम है। गेम कैसे होने वाला है पता नहीं है, ख़तरनाक होने वाला है। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट और इंसर्ट यूनिवर्स, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट यूनिवर्स कर लिया और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और ये अपना कैरेक्टर देखो भाई, अलग ही लग रहा है, एकदम फनी सा। और यहाँ पे ये कोट की आ गया भाई, यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग कोट से हुई है। मिलॉर्ड आई फाइंड यू ग्लटी एंड सेंटेंस यू अपने, मतलब ये देखो हम लोग कैसे पहने। हम लोगों ने एक पिंक शर्ट पहना है और एक नीचे से ग्रीन स्कर्ट पहना है। भाई पिंक शर्ट और नीचे से स्कर्ट, भाई लाइन एकदम राइमिंग वर्ड एकदम सही बन गया भाई सच्ची में। यहाँ पे अभी अपना गेम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मुझे जेल में डाला गया है। भाई एक सेकेंड, ये क्या आ रहा है सब नीचे लिख के, लॉकडाउन वगैरह, ये प्लेस ओनली, ये सब क्या आ रहा है मैं अभी। हाँ ओके, तो मुझे कंट्रोल थोड़ा। और यहाँ पे नीचे एक बर्गर पड़ा है, मैंने मेरे मतलब मेरे नाम के फर्स्ट लेटर को दबाया, पी मैंने ऐसे ही गलती से मेरे हाथ में बर्गर आ गया। मैं सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल चेक करता हूँ, ए को दबाता हूँ तो ये मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखो मैं ए को दबाया जा रहा हूँ तो ये ए से मार रहा है, और जी दबा रहा हूँ तो ये कुछ ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और आर दबा रहा हूँ तो क्या कर रहा है, एक सेकेंड आर दबा रहा हूँ तो ओके, तो मैं आर दबा के रन कर सकता हूँ, मतलब कि मैं भाग सकता हूँ। और यहाँ पर मैं कहाँ पर आ गया, ये कौन है भाई, इसका फ़ोटो हटाओ पहले, ये कौन था पागल जैसे। और मैं और कुछ चेक करना था, आर से मैं भाग सकता हूँ ओके, और पी से हम लोग बर्गर को फेंक सकते हैं और ऐसे मतलब कि उठा भी सकते हैं। और इसको खाना कैसे, ये टी को दबाता हूँ और ये बर्गर खा रहा है। ओ भाई ये WWE क्या भाई, ये देखो ये WWE का रेसलर था एक, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग बता देना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। ये देखो भाई ये मुच्छर लाल कौन है, एक सेकेंड भाई ये कौन सी जेल है यार, WWE की रेसलिंग नहीं है भाई, मुझे समझ में। ओ देखो ये देखो भाई, इसका कुछ तो अच्छा ही नाम है और ये तगड़ा भी है एकदम फाइटिंग में। तो यहाँ पे मैं टी दबा रहा हूँ तो मैं स्टाइल मार पा रहा हूँ, ये देखो भाई मुंह पे हाथ रख रहा हूँ, मतलब अलग ही स्टाइल मतलब मार सकता हूँ। और हम लोग एक जेल में, और हमको ना यहाँ पे 99 डेज सर्वाइव करना है इन मतलब कैदियों के बीच में। हम लोग कैसे रहने वाले हैं कैसे नहीं, पर मैं इतने दिन नहीं करने वाला, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं कुछ 3-4 दिन ही सर्वाइव करूँगा। और यहाँ पे मैं बेड को एकदम आगे की तरफ टच करे जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लेट चुका हूँ और मेरी लाइफ बढ़ रही है। एक सेकंड, मेरी हेल्थ बढ़ रही है क्या? ओ भाई एक सेकंड, ये मुझे मतलब तू मुझे उठाएगा और खुद सोएगा। हाँ तेरे बाप का बेड है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने उसको उठा दिया है। और अभी ये भाई यहाँ पे मैंने बेड फिर से नीचे रख लिया, पी से उठाया था, और यहाँ पे ये गिफ्ट है, मैं गिफ्ट को उठाऊँगा। मेरे हाथ में पेन पड़ी थी भाई, ये एक सेकंड में क्या यहाँ पे पढ़ाई तो करने नहीं आया हो। और यहाँ पे मैं गिफ्ट लेके, ओ भाई ये कौन है, एक सेकेंड यहाँ पे इतने सारे टेररिस्ट गुंडे भरे हुए हैं और रेसलिंग के चैंपियंस WWE के तो अलग ही भरे हुए हैं। ओ एक सेकंड भाई, इसने मुझे कान के नीचे, नहीं 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 भाई ये मेरे हेल्थ का आ रही, इसको मैंने कुछ नहीं करा और ये मुझे जानबूझ के मारा बेटा। एक दिन तुझे भी पटकूगा ना उठा के, तब तुम्हें मतलब इसे को समझ में आएगी। बस अपनी हेल्थ देखो, जो ग्रीन वाली है ना वो थोड़ी कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए मुझे सोना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी देखो सो रहा था तो थोड़ी सी बड़ी थी, तो मुझे एक अच्छा खासा बेड दे के सोना है। पर मैं अभी इस डोर के यहाँ पर जा रहा हूँ, पर इससे मैं एंटर होता हूँ और इससे मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो हम लोगों को अभी इधर ही सर्वाइव करना है मुझे तो लग रहा है। यहाँ पर मैं किसको पीट दूंगा यार, पर मुझे पहले सोने दो, सच्ची में मेरी हेल्थ बहुत ही कम है, मुझे कोई पीट के चला जाएगा। या फिर मैं बेड को लेता हूँ, यहाँ पे रख दिया, मैंने उठा के वहाँ पे रख दिया सच्ची में। या फिर क्या, व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे बातों बातों में नीचे क्या लिख के आ जाओ, तो भाई गन लेके आ गया, ताड़े आ गया मुझको भाई। एक सेकंड, ये क्या, टेंशन द टाइम इज ना, यार ये कुछ भी लिख के आता फटाक से चला जाता है। और आप लोग देखो, मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरी हेल्थ बढ़ रही है और नीचे की कुछ येल्लो लाइन है वो भी बढ़ रही है, और वहाँ पे कुछ ब्रेन का साइन पड़ा हुआ है, तो मतलब हमारी दिमागी शक्ति भी अभी कम हो चुकी है, तो उसको भी बढ़ा लेते हैं क्या बात। ओके तो 7 क्या हो गया, ये द टाइम इज 7:07 बज रहे हैं और अभी टाइम फिर से स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं ना यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी येल्लो वाला है ना उसको बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे लेटा हुआ, क्योंकि वो भी बढ़ रहा है।
तो यहाँ पे जो कि है मेरा थोड़ा ही बाकी है और ये उठा के यहाँ पे रख रहा है भाई साइड में। अच्छा थैंक यू भाई, साइड में सोने के लिए कह रहा है। जा भाई तू अच्छा बंदा निकला, एक काम का तो बंदा निकला है जेल के अंदर। अभी उठ चुके हम लोग फाइनली, क्योंकि हमारी जो पावर है वो पूरी बढ़ चुकी है, ब्रेन की पावर और हेल्थ वाली भी पावर बढ़ चुकी है। और यहाँ पे ये बहुत ही मतलब अलग ही जेल है, जेल के अंदर टॉयलेट भी है भाई सच्ची में। और यहाँ पे मुझे फ्लशर कहाँ पे दिख रहा नहीं है, ना पानी दिख रहा है। ये जब टट्टी करता होगा तो कहाँ पे जाती होगी या कि अंदर ये बासी आती होगी। मैं ये जेल के अंदर नहीं जाने वाला, मैं आगे की तरफ भागता हूँ। और भैया अच्छा बंदा था, इसको मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। अभी है ना मैं ये भागते भागते ये वाले डोर के यहाँ पे आ चुका हूँ, पर ये डोर से मैं बाहर अलग जगह पे नहीं जा पा रहा। और एक सेकेंड, मेरी हेल्थ अभी क्यों कम हो रही है? एक सेकेंड भाई, मैंने तो अभी किसी से पिटा भी नहीं और पिटाई भी की नहीं, तो एक सेकेंड ये हेल्थ कम किसी हुई भाई? छोड़ो अब। ओके तो मैं दूसरे रूम में आ गया, क्या पता कैसे आया। मैंने कुछ तो करा नहीं, वहाँ पे खड़ा था आगे, मतलब फोर्स कर रहा था मैं, और मैं आ गया। और यहाँ पे ये रूम भी मस्त है एकदम। ओ ये क्या हो गया भाई, फिर से आ गया मैं यही रूम में। मैंने वहाँ पे क्या पता कहाँ पे टच करा और मैं फिर से यही रूम में आ गया। तो छोड़ो खैर, यहाँ से अभी मुझे फिर से ओ ये क्या हो गया, मुझे किसने तो ऐसे पीट दिए भाई। मैं चल रहा कैसे हो? एक सेकेंड, जैसे कमर में दर्द भाई सच्ची में, मेरे कमर में दर्द हो रखा है और मेरे कैरेक्टर भी एकदम फनी दिख रहा। टीवी चालू हो गई, वाह ये देखो कैसे पीछे वाला भाग के आ गया दौड़ के। एक सेकेंड तू यहाँ पे आ जा, मैं कैसे अलग। ओ मैंने टट्टी कर दी भाई, मैंने मतलब बाथरूम कर दिया यार, बाथरूम आ रही थी, बाथरूम में जाना चाहिए, गंदी बात है बाथरूम में करने चाहिए ये सब काम। वैसे छोड़ो, अभी हम लोगों का जो कैरेक्टर का मूवमेंट है वो अलग कर रही है। ये देखो अभी सही भाग रहा, नहीं तो पहले कैसे कमर पकड़ के या कुछ अलग पकड़ के भाग रहा था। तो हम लोग फाइनली वही रूम में आ गए। ये कौन हो भाई तुम? अटेंशन न्यू वार्डन बाय द नेम ऑफ, छोड़ो इसने कट कर दिया। अभी हम लोग फिर से वही जगह पे जा रहे हैं भाई, इतने सारे नाम लिखे हुए, हम लोग वहाँ पे कब जाने वाले? एक सेकेंड, ये काउंटर पे कौन बैठा हुआ है झिपरे बाल लेके? एक सेकेंड, बाल कटवाते नहीं हो गया तुम लोग? वैसे ये तो जेल है, यहाँ पे कौन बाल कटवाने वाला है? वैसे कटवा, ओह एक सेकेंड यहाँ पे टॉयलेट है, मैं इसके अंदर जा सकता हूँ क्या? चेक करते एक बार जाके। ओके तो यहाँ पे मैं टॉयलेट पे आ चुका हूँ। और ये कौन है भाई? एक सेकेंड, बंदर की शक्ल की कौन है ये? छोड़ो खैर, ये कोई भी होने दो, फिर से बाहर आ गया। एक सेकंड चेक तो करने, तो टॉयलेट में नहाने तो दो यार, कितना दिन हुआ नहाया नहीं हूँ। मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, ये तीसरा दिन है सर्वाइव का। ऐसे दिन बहुत जल्दी जा रहे हैं। और यहाँ पे शावर है, तो यहाँ पे टॉयलेट में टॉयलेट नहीं कर सकता। ओके तो यहाँ पे मैं शावर के नीचे खड़ा हूँ और यहाँ पे जरा टी को दबा के ना मैं मस्त स्टाइल मारता हूँ, जैसे कि नहा रहा हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना। ओ भाई मेरा कैरेक्टर भी वैसे ही कुछ कर रहा था। छोड़ो अभी हम लोगों ने नहा लिया है, पर एक सेकंड ये पानी इतना गंदा है, कुछ अलग जगह से तो नहीं आ रहा ना भाई? मतलब समझ रहे हो आप लोग, कोई अलग ही जगह से आ रहा हो। और हम लोग, ओह इसने मुझे लकड़ी दे दी भाई, थैंक यू भाई, मेरे मतलब सिक्योरिटी के लिए इसने मुझे लकड़ी भी दे दी है। और यहाँ पे मैं इसको पीटू गया, एक सेकंड में इसको चेक करता हूँ, इसको मैं पीट सकता, वहाँ पे कौन है यार यहाँ पे? नहीं मैं इसको नहीं पीट सकता, एक और बार ट्राई करते हैं थोड़ा पीछे जाके। अभी ये नहीं हुआ यार, एक और बार। और ये ओ भाई साहब, एक इसमें कुल्हाड़ी पड़ी, सीधा टूटी गया इसका टेबल भाई, मतलब कि। और मेरे एक सेकंड, मैंने ना जब इसको मारा, मेरे कैरेक्टर ने कैसा एक्शन किया भाई, कौन है यहाँ पे, किसने मारा? एक सेकंड इसको उठा के पटकूंगा भाई, बहुत ही मतलब शाइनिंग मार रहा था ये बैठ के आराम से। कैसी लगी अब इसको वैसे यहाँ पे? मुझे अभी भाग लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गुस्से पे ये मुझे कुछ अंडर टेकर। ओ भाग गया, भागो भागो भाई, जल्दी से भाग गया, पीछे पड़ गया था वैसे, मेरी लकड़ी पावरफुल वहाँ पे गिर गई। एक इसमें टेबल वेबल उसको भी तोड़ दिया भाई सच्ची में। यहाँ पे मैं फिर से आ चुका, फिर से जाऊँगा, हाँ जा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आ चुके हैं, मेरी लकड़ी, फिर ये बुड्ढे का फोटो, ये कौन है ये लोग, एक्सक्यूज मी यार। तो भाई फिर से रिटर्न आ गया मैं, मुझे वहाँ पे लकड़ी लेनी थी, पर छोड़ो अभी बहुत टाइम हो चुका है। और यहाँ पे हम लोगों को सोना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ जो कि है कम हो चुकी है। और ये देखो भाई, गाना गाते हुए मस्त उस स्टाइल में जा रहा था। यहाँ पे तो रास्ता नहीं है, मुझे ना इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर भी कर लेना चाहिए, क्योंकि देखना चाहिए कहाँ ये नीचे क्यों सोया है भाई। एक बेड के नीचे सोया था और यहाँ पे, और इन दोनों की मारापीटी चल रही है भाई। क्यों मार रहे हो एक दूसरे के? यहाँ पे आ कलवे, नहीं ये छोड़ो, ये कलवा गया, मुझे लग रहा था इसकी दादागिरी चल रही है। तू आ जा यहाँ पे, आ जा बेटा, ऐसे पिट हुआ ना रट्टे पड़ेंगे मुंह पे तेरे। रुको मुझे लकड़ी उठाना, तो नीचे हॉकी बैट गिरी है ना। अरे यार इसकी बॉडी भी बहुत तगड़ी है। ओ एक सेकंड, ये लोग क्या है? व्हाट आर यार, पढ़ने में नहीं दिया मुझे जल्दी से। तो छोड़ो अभी मैं इसको पढ़ने में नहीं, ओ ये नीचे सो गया, लकड़ी उठाते नीचे सो, तू भी सो, सो इधर नहीं। ओ भाई पुलिस वाले आ गए, गंदी मारा मारी हुई है लगता है, पुलिस वाले आए। चलो यहाँ पे अच्छे से सोना। ओ भाई क्या ही मारा इसने, मतलब कि सर के, मतलब मेरे सर पे पड़ी है रख के, और मेरे को मतलब एक ही इसमें ढेर करा दिया। यहाँ पे मैं अनलिमिटेड मारे जा रहा पुलिस वालों को,
इसने तो मुझे सुला दिया। एक सेकंड भाई, मारियो मत, मैं अच्छे से सोऊंगा। ये क्या WWE चल रहा है क्या? काउंटिंग का? ओ भाई, पुलिस वाले ने क्या लिया इसको? वो खून गिर गया मेरा, बहुत ज़्यादा हेल्थ गई है। मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, एकदम सुम में निकलूंगा। यहाँ पे वो दूसरा तो सोने में व्यस्त है। नहीं, वो भी उठ गया भाई, वो सबसे शक्तिशाली था। और यहाँ पे मैं उठ गया, वो सोने में, वो देखो वो बेड पे अभी भी सो रहा है। बाहर आर पार हो गया भाई, सच्ची में यहाँ पे सब भागा दौड़ी कर रहे हैं, मैं भी भागूंगा। कौन किसने किया भाई? मारामारी करते हैं गंदे बच्चे। यहाँ पे मैंने की थी, छोड़ो। अभी हम लोग जाते, यहाँ पे एक बेड मिल गया, इसको मैं ना यहाँ पे रखता हूँ और अच्छी तरह से सो जाता हूँ फटाफट ही। तो यहाँ पे जो कि है गाइस, यहाँ पे मैं ना सो रहा था और सुबह भी हो चुके हैं यहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये कौन मुच्छर सिंह आ गया और उसने मुझे बहुत ही गंदा पीटा है भाई। मैं अच्छी तरह से सो रहा था और ये बेड भी लेके जा रहा है और वहाँ पे खसका के रख दिया। सोने का तो नाम नहीं ले रहा है ये, पर बस मतलब मुझे अभी क्या ही बोलूँ यार, ये टकले को ऐसा मारूंगा, तेल डाल के मारूंगा बेटा। एक बार मेरे पावर बढ़ने दे। एक सेकेंड, ये गले क्यों मिल रहा? हम दोनों दोस्त थे, गले मिलने वाली मस्त थी भाई सीन। सच्ची में कैसे मिला मुझे पता नहीं, कौन सा बटन दबाया था मैंने अचानक से, कौन सा तो दबा दिया। और यहाँ पे अच्छा खासा बेड ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे जगह तो ख़त्म हो गई आ गई यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है और अच्छा खासा बेड भी है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे हमारा बोरिया बिस्तर लगा के सो जाए। तो एक सेकंड, ये नीचे रखे जा रहे हैं भाई, सोना है हम लोगों को। एक सेकंड, पी दबा के सोते। या फिर मेरी पावर बढ़ी, मुझे उठाएगी, जिम करूँगा तो भी पावर बढ़ेगी भाई सच्ची। ऑल राइट, तो यहाँ पे आखिरकार सो गया। मुझे इसको आगे की तरफ पुश करना है, तब जाके मैं सोऊंगा, ये मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे देखो ग्रीन वाली पावर बढ़ रही है और ये फुल हो चुकी है, अभी येलो वाली बढ़ने तक रुकना है। और यहाँ पे येलो वाली थोड़ी स्लोली बढ़ जाती है मुझे यहाँ तक लगता है। और यहाँ पे अटेंशन द टाइम इज नाउ, मतलब टाइम हो चुका है उठने का, रात हो चुकी है मुझे लग रहा है भाई। रात भी इतनी जल्दी हो गई और तीसरा दिन चल रहा है अभी भी हम लोगों का। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, चौथे पांचवें दिन तक ही करने वाला हूँ। जेल बंद हो गया, अच्छा मैं अंदर फंसा नहीं तो मैं घूम नहीं पाता, पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाता। अच्छा हम लोग बाहर निकल गए सच्ची में। और यहाँ पे ये मुच्छर सो रहा है। बेटा तेरा तो जीना, इधर आ जा बेटा, तेरा जीना आराम करूँगा, तेरा थोड़ा चिन गया, तेरा सर फोड़ूंगा, पूरा सॉस जाम निकाल दूँ। उठ जा बेटा, यहाँ पे आ जा, हाँ यहाँ पे आ जा। ओ भाई, इसका बेड तोड़ दिया और इसको भी तोड़ रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ये फिर से एक और मैसेज। जी कौन है यार ये तोते जैसे नाक का, भी क्या ही बोलूँ इसको, छोड़ो। मैं किसको मारे जा रहा, यहाँ पे आ जा। ओ भाई, मारने वाला था वैसे ये मुझे। और यहाँ पे ये हमारा दोस्त है लगता है, इसके हम लोग गले मिले, मतलब गले मिले थे। और आ जा, ये थप्पड़ में थप्पड़ खाया जा रहा है भाई, इसको बहुत ही पीटा इसका। ओ भाई मार रहा है, एक सेकंड बेटा तुझे। ओ ये क्या कर रहा है ये, एक सेकंड, यहाँ पे बहुत ही गंदा पीट रहा है ये भी भाई, गुस्से में आ गया लगता है मुच्छर सिंह। यहाँ पे आ जा बेटा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं स्टाइल मार के जरा बाहर चले जाते हैं, इसको सोने दे। ये जमीन पे सो गया, अच्छा मेरे बदला तो पूरा हो गया, क्योंकि इसने हमारा बेड छीना था, हमारी नींद चोरी की थी, मतलब चैन ली थी। तो यहाँ पे मुझे सोने की ज़रूरत नहीं लग रही है, यहाँ तक मैं दूसरी जगह पे चले जाता हूँ। और हम लोगों ने भी उसका बदला ले लिया, उसको ज़मीन पे सुला दिया। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ये वाली जगह पे, जहाँ पे कि अपने जो छड़ी गिरी, लकड़ी गिरी थी यहाँ तक। हाँ, और यहाँ पे अंडरटेकर, ये अभी हमको कुछ नहीं कह रहा लगता है, भूल गया पागल। हाँ देख लूँगा बाद में, कह रहा था भाई। देखो इन लोगों के एक्शन भी सही है। और यहाँ पे हम लोगों का फोर्थ अटैम्प्ट हो चुका है, फिर से वही जगह पे, कोई नई जगह दिखा दो यार। एक सेकेंड, चार अटैम्प्ट हो चुके हम लोगों के, चार दिन हम लोगों ने जेल में कटवाए, बहुत ही मज़े आए। और यहाँ पे टीवी भाई लेके गया हाथ में, मुझे लगा पीटेगा हम लोगों को। एक सेकंड, पीट में साफ सफाई करा, अच्छी बात करा। ओ भाई 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 भाई, तो फाइट चालू होने वाली थी और ख़त्म भी हो गई, इसको मैंने पीट दिया गंदे वाला। यहाँ पे आ जा बेटा, साफ सफाई के काम ही करियो, यहाँ से मुझे ना निपटना, मतलब मेरे से निपटने को आ रहा है। यहाँ पे मैं इसका डंडा उठा लेता हूँ, साफ सफाई वाला। अरे उठ जाना, एक सेकंड, ये उठ रहा क्यों नहीं? एक सेकंड, ये क्या सीन है? एक सेकंड, ऑल राइट, तो ये उठ चुका है। आ जा यहाँ पे, आ जा, दे दूंगा रख के, ये भाग गया। चलो गोरा डायमंड भाई बहुत ही गंदा मारा। यहाँ पे मैं दूसरी जगह पे, ओ ये अलग जेल है जी, काला वही का ही है, ये वही जेल है यार। एक सेकंड, मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे दोनों भी हेल्थ कम हो रखे है, तो मैं सो जाता हूँ और फटाफट ही बढ़ा लेता। नहीं, ये मेरी जो माइंड वाली है ना, मतलब मेरा जो दिमागी हिस्सा, उसकी थोड़ी कम है। छोड़ो कोई ना, इतना तो दिमाग बस ही होता है एक आदमी के लिए। फिर से टेंशन यार, ये क्या आता है बीच में, मुझे कंटाला आ जाता है ये देख के। तो अभी यहाँ पे टीवी चालू होता है, यहाँ पे मैं चेयर पे बैठ के टीवी देख सकता हूँ। ओके, मतलब कि मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठा हूँ सर जैसे, और टीवी देख रहा हूँ। टीवी बंद हो गया यार, गलत बात है, मैं बैठते टीवी बंद गया, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। ये वाले चेयर पे बैठ के ट्राई करूँ देखने का। हाँ, इससे दूर से देखना तो अपने मतलब शरीर को कुछ नुकसान नहीं होगा, आँखों को भी। और ये क्या कर रहा है बदतमीज, बोल रहा है यहाँ से खड़ा हो जा, मेरी जगह है, पीट दूंगा। चल
चल पीट दूंगा यहाँ से, भाग रहा है। ऐसे रहना चाहिए भाई बंदों को। और एक सेकंड, यहाँ पे एक डोर दिख रहा है मुझे, क्यों ना इस डोर के अंदर चले। और हम लोग चाय सीधा किचन के अंदर आ गया भाई। किचन तो एकदम कैंटीन है, ये कैंटीन है, सॉरी आई एम सॉरी। यहाँ पे हम लोग कैंटीन के अंदर आ चुके हैं। और ये कौन है यार, महाराजा जैसी चल रही है। और यहाँ पे मैं गले मिल रहा हूँ फौजी साथ, मतलब मेरी तमन्ना पूरी हो गई। रिटर्न नहीं आना था मुझे, एक सेकंड में वहाँ पे चलता फिर से और इसको मैं पीटूंगा। ये कौन है कालिया भाई, मतलब कि कैसे कैसे शक्ल के बंदों की फ़ोटो आ जाती है। तू सामने क्यों खड़ी है, यहाँ से हट जाए। तू पीटी अभी मेरे हाथ से, समझ में नहीं आता। कल वकल लेगी नहीं कुछ, अभी खाई तो शांत बैठ गई वहाँ पे। यहाँ पे फिर से वही जगह पे आ गया। अभी ये कौन अलग है काला भाई, ये मुंह पे आग पे क्या पट्टी बांध के रखा है। यहाँ पे जगह कुछ समझ में नहीं आ रही। ये डस्टबिन है जिसके ऊपर कि मैं चढ़ गया, तो यहाँ पे जो किया डस्टबिन के ऊपर चढ़ा, वहाँ से उतरा और एक अलग रूम में मैं आ चुका हूँ। ये कुछ अलग रूम लग रहा है। यहाँ पे पुलिस वाला भाग रहे हैं, क्या हुआ, डरो मत, मैं आ चुका हूँ। किससे कोई भी आने दे, उससे मैं मार नहीं खिलवाऊंगा, तुमसे बचा लूंगा। मेरे हाथ पे डंडा। ओ भाई ये कौन है, हल्क, मतलब कि जेल के अंदर एवेंजर्स मार्वल भी है। हल्क को भर रखा है जेल के अंदर, इसके लिए अलग एक सिपाही रखा है फौजी, जिसकी की पूरी ड्रेसिंग अलग है, मतलब पावरफुल वेपन दिया हाथ में, बहुत ही पावरफुल, अलग ही फौजी लग रहा है ये आर्मी मैन। तो यहाँ पे हल्क इधर है, मैं तुझे पीट के रहूंगा। एक सेकंड, मुझे हल्क को मारना था भाई, अब तू आ जा, मैं तुझे आज ना छोड़ूंगा, मेरी हेल्थ भी पूरी है, मैं ऐसे पीटूंगा ना। ओ भाई ये क्या गंदा मार, ओ भाई एक सेकंड, ये सबको मार रहा, भाग गया। जैसे ही वो फौजी आता है ग्रीन वाला कुछ तो पहन के, उसे देख के ये भाग गया। और वो फौजी भी क्यों भाग गया, मैं कहाँ पे, मैं एक सेकंड में दिख रहा नहीं हूँ मैं भाई। इसने भी मुझे लेके पटक गया, हल्क के पास पटक दिया। ये क्या चल रहा है यार, ये जेल का बॉस है क्या हल्क, मैं इसको पीटूंगा। यहाँ पे मेरे हाथ में गन आ गई थी पर गलती से चली गई वो भी। और ये लोग मुझे बहुत ही गंदा पीटे जा रहे हैं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सर्वाइव भी करना है। तो यहाँ पे मैं एक आधी रूम में जाके बेड ढूंढ लेता हूँ। फौजी साहब बचाइए, फौजी साहब अलग ही मतलब गोली। और यहाँ पे ये क्या, एक सेकेंड, कोर्ट में क्यों लेके आए, यहाँ पे कुछ चल रहा है क्या, केस हो गई क्या मेरे पे, ये केस कर रहा है इंसान भाई। हल्क के साथीदार, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे भी पीटूंगा बेटा, मतलब कि ये मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, इसने ऐसा ही करा वैसा करा और हम लोगों को फिर से जेल में ला के छोड़ दिया है। यार सच्ची में मैं मुझे इंसाफ मिला कि क्या मिला। और यहाँ पे फौजी साहब तुम नीचे क्यों सोए, एक सेकंड तुम उठ जाओ यहाँ से यार, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम बेड पे सो जाओ पीछे। यहाँ पे जो कि मैं हल्क को मारने फिर से आ गया था, बहुत ही अलग बंदे मिले थे और एक अच्छा खासा डोर भी मिल चुका है मुझे यहाँ पे। और एक सेकंड, ये कौन भागा, मोगली यार, हरी चड्डी पहन के मोगली भागा। यहाँ पे क्रैकर्स गिरे हुए हैं, मैं इनको उठा लूँगा और फोड़ सकता हूँ क्या, एक सेकेंड। पर ये बाकी रूम एकदम मस्त म्यूजियम टाइप लग रहा है, अलग ही आलीशान रूम बना रखा है। टीवी चल रही है, मैं तुझे पीटूंगा यार, से हट जा, टीवी देखने दे बेटा, तू मुझको टीवी नहीं देखने दे रहा यार, एक सेकेंड, हट हट बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता है तुझको। मेरे क्रैकर्स तो मेरे हैंड में ही है, हाँ। तो यहाँ से मैं अभी भाग लेना चाहूँगा, तो यहाँ से हम लोग सोना नहीं है यार, भागते यहाँ से फटाफट भागते हैं और क्रैकर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कि मैं फिर से वही रूम के अंदर आ चुका हूँ। और इस गेम, ये कौन है भाई, यहाँ पे जब बदतमीज मेरे हाथ से क्रैकर लेके क्या ही भागा ये, और ये कौन सा चिढ़ाना हुआ भाई मुझको। और यहाँ पे हम लोगों का छठवा दिन है, आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही गंदा अलग ही बंदा है भाई दिखता, इसको तो मैं पीट। ओ ये कौन आ गए बॉक्सर, चले जा बेटा वहाँ पे। भाई क्रैकर फूट गया, एक सेकेंड भाई क्रैकर ही फूट गया हम दोनों के लड़ाई में। और यहाँ पे देखो उस बंदे के मुंह पे ज़्यादा चोट आई है लगता है, क्योंकि वो देखो कैसे मुंह पे हाथ लगाया जा रहा है, मेरे अंदर हाथ, मेरे हाथ में हथौड़ा आ गया, मेरे पे हथौड़ा कब आ गया वैसे। और पीछे ये कौन है, बॉडी बिल्डर, एक सेकंड पीटू को। अरे यार मुझको क्यों पकड़ रहे तुम लोग, मैंने नहीं फोड़ा था वो क्रैकर यार। तो यहाँ पे फिर से मुझे कोर्ट के अंदर लाया गया है और अभी मेरे ऊपर फिर से एक और केस दर्ज हो चुकी है भाई, मतलब निकलने दोगे कि नहीं तुम लोग जेल के अंदर से। तो बस यारो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं जेल से बाहर निकलूँगा नहीं पता नहीं, 7 डे अपना सर्वाइव का। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और अगर आप लोग चैनल पे नए आ रहे हो, वीडियो नए देख रहे हो, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है जाके ज़रूर से दबा देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आप लोग देख सको ऐसी गेम प्ले वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो। और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी थी कैसी नहीं, और वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स में, अपने मतलब रिश्तेदारों में, सब में शेयर करना। और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।